फ्रेंड्स, मेरा चैनल दौड़ेगनों की तरफ से आप सबको स्वागत है। मेरा आज का रेसिपी है छड़ भजा, जो एक बंगाल का मिठाई का रेसिपी है। छड़ भजा मिठाई बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? मलाई, मावा, काजू पाउडर, मैदा, चीनी, छोटी इलायची, घी और रिफाइंड ऑयल। पहले मलाई को थोड़ा छान लेना है, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा दूध है वो निकल जाएगा। यहाँ पे मैंने इस कप का 2 कप मलाई लिया है। अभी 15 से 20 मिनट इसको ऐसे ही रखना है। नीचे का जो लिक्विड मलाई है, इसको आप दूसरा रेसिपी में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने मलाई ले लिया। अभी इसमें पाउडर मावा डालना है। मैंने यहाँ पे 2 कप मावा लिया है। फिर 2 कुटी हुई इलायची पाउडर, 3 टेबलस्पून काजू पाउडर, 1/2 टीस्पून घी डालना है। फिर मैदा डालना है, एक साथ नहीं डालना, धीरे धीरे डालना है। फिर एक डो बनाना है। मैंने यहाँ पे 1 कप मैदा डाल दिया। इसमें मैदा कम डालने का कोशिश कीजिएगा तो टेस्ट ज्यादा अच्छा बनता है। अभी इसको 10 मिनट थोड़ा सेट होने के लिए रखना है। अभी मैंने 1 प्लेट ले लिया, इसमें थोड़ा घी ब्रश करना है। फिर इसको ऐसे फैलाना है। इसको ज्यादा मोटा नहीं रखना, थोड़ा पतला ही रखना है। अभी इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। तब तक हमें चाशनी बनाना है। चाशनी के लिए हमें 1 कप चीनी चाहिए और 1.5 कप पानी डालना है। फिर हाई फ्लेम में इसको बॉईल करना है। हमें कोई 1 तार या 2 तार का चाशनी नहीं चाहिए, एक चिपचिपा चाशनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 2 छोटी इलायची डाल दिया और थोड़ा सा केसर डालना है। केसर ऑप्शनल है। चाशनी अच्छे से बॉईल हो गया। अभी थोड़ा सा नींबू का रस डालना है। चाशनी रेडी हो गया है। 1 घंटा हो गया। अभी इसको पीस करना है। पैन में मैंने 1 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डाल दिया। अभी इसमें 2 टेबलस्पून घी डालना है। आप पूरा घी से भी फ्राई कर सकते हैं। इसको कम तेल में ही फ्राई करना है। तेल और घी गरम हो गया है। अभी इसको फ्राई करना है। एक साथ ज्यादा नहीं डालिएगा, थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई कीजिएगा और लो से मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करना है। फ्राई हो गया है। चाशनी ठंडा हो गई थी। अभी इसको हल्का गरम कर लिया, फिर गैस बंद कर दिया। अभी इसको डालना है। अभी इसको चाशनी में कम से कम 2 से 3 घंटे भिगो कर रखना है। बस रेडी हो गया है बंगाली मिठाई छड़ भजा। मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।